रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले को लेकर दुर्ग के समाज सेवी के एस चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे भारत पाकिस्तान का झगड़ा करार दिया है। श्री चौहान ने स्पष्ट किया कि जिस प्रकार पाकिस्तान पहले अमेरिका की शह पर भारत को परेशान करता था, उसी प्रकार यूक्रेन भी अमेरिका की शह पर रूस को परेशान करते रहा है। यह लड़ाई रूस की यूक्रेन से नहीं, यह लड़ाई है अमेरिका से। आज दिन तक विश्व में जितने भी युद्ध हुए उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका और रूस का ही हाथ रहता है। श्री चौहान ने अमेरिका और रूस को अपने अपने हथियारों को बेचने के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आरोप लगाते हुए अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम ऐसे समझ सकते हैं हम लोग की जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, या हिंदुस्तान से ही पाकिस्तान निकला हुआ, वैसे ही रशिया से निकला है यूक्रेन। और जैसे पाकिस्तान अमेरिका की शह पे हिंदुस्तान को पिनअप करते रहता है, परेशान करते रहता है, वैसे ही यूक्रेन भी रशिया को परेशान करते रहता है। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई यूक्रेन से नहीं है, ये लड़ाई है अमेरिका से। ये रशिया और अमेरिका लड़ रहे हैं। और आज तक विश्व में जितने भी युद्ध हुए हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से आप लेकर देख लीजिए, तो रशिया और अमेरिका के ही हुए हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी देश हो, कोई भी देश लड़ रहा हो, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही दोनों देश इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि हथियार के जो प्रोडक्शन है वो इन लोग दोनों के पास है। ये दोनों अपने हथियार बेचने के लिए लड़ाइयां करवाते रहते हैं, और इनका लड़ाई करवाना मजबूरी है, इसी से उनका बाजार चलता है। इस वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। और दूसरी बात यह है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि यूक्रेन के जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी क्या मानसिकता है। ऐसी मानसिकता रखेंगे तो उनकी आवाम को भी प्रॉब्लम आती है और आवाम को भुगतना पड़ता है, और आवाम इसमें भुगतेगी। अगर आवाम जागरूक होती है, अगर आवाम शिक्षित होती है, अगर आवाम अपने हक के लिए बोलती है सत्तारूढ़ पार्टी को, तो कभी भी सत्तारूढ़ पार्टी निरंकुश नहीं होती है। जैसे आज यूक्रेन की सत्तारूढ़ पार्टी के जो मठाधीश हैं, जो मतलब जो ऊपर वरिष्ठ नेता जो हैं, वो उनकी सोच के हिसाब से ही ये इसको अंजाम दिया गया, ये युद्ध को अंजाम दिया गया। इसमें इनको ये समझ में नहीं आता है कि 10 से 15 गुना ज्यादा सैन्य शक्ति रशिया के पास है, तब भी आप लड़ रहे हैं। किसके किसकी बदौलत? आप अमेरिका के बदौलत लड़ रहे हैं। अमेरिका जो कि हमेशा से वो धोखेबाज रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप को छोड़ के और किसी को अपना दोस्त मानता नहीं है। तो आप किसको किसकी किसकी शह पे उससे लड़ रहे हैं? ये समझदारी का उन्होंने बिल्कुल परिचय नहीं दिया है। और दूसरी बात यह है कि युद्ध जो होता है वो किसी के पक्ष में नहीं होता है, दोनों पक्षों की हार होती है, शांति में दोनों पक्षों की जीत होती है। जैसे महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने उसके बाद भी हारे थे कि उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया था, अपने बुजुर्गों को खो दिया था, अपने भाई बहनों को खो दिया। तो ये सब चीजें होती हैं, युद्ध में हार होती है, दोनों पक्षों की हार होती है, शांति में दोनों पक्षों की जीत होती है। तो ये जल्दी से जल्दी ये युद्ध विराम हो, ताकि लोग जो सफर कर रहे हैं वहां पर, जिनकी कोई गलती नहीं है, उनको चैन की सांस मिले। और इसमें आज नहीं तो कल यूक्रेन को ही अपने घुटने टेकने पड़ेंगे, ये नितांत आवश्यक है और जरूरी है, और यही सत्य है।